सो वेलकम बैक गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और यहाँ पे मैं आपको अपना लहंगा दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे शादी में जाना है। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। अब जब हम यहाँ आए हैं तो फिर जो शादियाँ हैं उनको भी अटेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने लहंगों को निकाल रही हूँ, देख रही हूँ क्या क्या पहन सकती हूँ, कहाँ पहन सकती हूँ, कौन से फंक्शन में। कई फंक्शन आने वाले हैं जो कि आपके साथ के आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगी। कौन कौन सी शादी है, किसकी शादी है, वो सारी बातें भी आपको आने वाले व्लॉग्स में पता ही चलेगा। तो मैं तो अभी यहाँ पे अपनी शादी की तैयारियों में लग गई हूँ। और ये एक लहंगा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये अभी पहना नहीं है मैंने। मैंने आपके साथ इसको पहले शेयर किया है अपने जटकी हॉल में या फिर जमसो लहंगा हॉल में शेयर किया है इस लहंगे को। काफ़ी ब्यूटीफुल सा लहंगा है। नहीं देखा है तो वो आप एक हॉल एक बार मेरा ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये है इसकी चुनरी। 5 के बाद 6 आता है। तो मैंने ये वाला लहंगा सोचा है पहनने के लिए। इसको मुझे प्रिपेयर कराना होगा और ब्लाउज के लिए सोच रही हूँ, रेडीमेड ब्लाउज ले लेती हूँ तो अच्छा लगेगा ये ड्रेस। और ठंड के टाइम पे थोड़ा ब्राइट कलर रहेगा तो काफी सुंदर लगने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये लहंगा लेके नहीं आई मैं, मेरा लहंगा यहीं पे ही रखा था, मैं छोड़ के गई थी। तो ये लगा हो जाएगा। उसके बाद मैं ये शाम के टाइम किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं चीनी भर रही हूँ, गिर गया थोड़ा सा एक्चुअली, एक हाथ में फ़ोन है इसीलिए। तो चीनी ख़त्म हो गई थी, मैंने इसमें भर दिया है और अब इसको बंद करके रख दूँगी। साथ में बनाएंगे अब चाय क्योंकि शाम का टाइम है और गरम गरम चाय पीने में बड़ा अच्छा लगता है, अदरक वाली चाय। सो चलिए चाय इन्जॉय करते हैं। सो गाइज वेलकम बैक। और शाम के 5:15 बज रहे हैं, हम लोगों ने चाय पी ली है। मैं जब चाय बनाई तो मैं वर्मा जी के पास कैमरा लेकर के गई थी बट उनकी मीटिंग चल रही थी सो मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग कुछ नहीं करी थी। और अभी घर में फिर से कोई नहीं है, मैं और पीहू अकेले पूरे घर में और पीहू बैठी है मम्मी की इस ड्रेसिंग टेबल के पास अपना सामान लेकर के। आज हल्की सी धूप निकली थी तो कपड़े यहाँ फैला दिए थे, कल तो धूप थी नहीं, हल्की सी धूप थी। और वर्मा जी काम कर रहे थे इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। उनका वर्क स्पेस यही बन गया है, एकदम रजाई में बैठ करके परमानेंट वो बैठे ही रहते हैं। सो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, यहाँ इस ड्राॅइंग रूम में वो अपना काम करते रहते हैं क्योंकि ठंड है इसीलिए। और क्या, और अभी आज लंच का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, दाल चावल रोटी सब्जी बनाया था, मसूर की दाल। दाल मम्मी ने छौंक दी थी और क्योंकि पीहू की क्लास चालू हो गई थी तो मैं पढ़ा रही थी, मतलब पढ़ा, हम दोनों लोग पढ़ रहे थे बैठ करके इसीलिए। और अभी क्या, और अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं है, जब सब लोग आते हैं तब फिर मैं आप लोगों को मिलवा दूँगी, थोड़ा सा सब लोगों से बातें वगैरह करवा देंगे। चलिए अभी मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की। क्या कर रही है, परेशान कर रही है मम्मी को ये माला देखो इनका 9 लक्खा हार क्या बनी हो तुम? माला है मेरा। माला है तुम्हारा? अच्छा, छोटी छोटी चीजें इसका खतरा रहता है पहन देंगे कहीं नहीं, मान जाते हैं मम्मी की बात, ठीक है। हाँ, अब शैतानी नहीं करना।
क्या हो रहा है आज? तो आपका सारा दिन पता ही नहीं है कहाँ है आप। टोपी वोपी एकदम, मैंने भी कैप लगा रखी थी, अभी अभी जस्ट आया। बाल कितने ऑयली हो गए हैं कैप लगाने से। जब से आए मेरे बालों में शाइन देखो कितनी आ रही है, देखना देखना शाइनिंग कितनी। घने मुलायम काले बाल, घने मुलायम काले, छू के देखना मेरे बालों को, छू ना। देखो गोलू बाबू बैठे हुए हैं। ठंड बहुत हो रही है। और नहीं ये पता है मेरे को लग रहा है वो जो मैंने लगाया था ना ट्रीचअप का वो क्रीम वाला, उससे उसकी वजह से अभी भी शाइनिंग कितनी है। लेकिन ये टोपा लगाने की वजह से मेरे बाल ऑयली कितने हो गए देखो जरा। लगा लो ट्रीचअप, उसमें क्या है। मैं लेके थोड़े ना आई हूँ, लेके नहीं आए हैं। और हमारा डिनर हो चुका है, डिनर में बना था सब्जी रोटी और मैं अभी बना रही थी अपना एक वीडियो, और ये इसका मुझे बनाना है पीहू जी, इसका इसका बनाना है मुझे वीडियो। ये एक बचा है तो अभी मुझे एक वीडियो और शूट करना है, बट वो शायद अब मैं आज करती हूँ या कल, पता नहीं देखती हूँ। और पीहू बैठी है मम्मी के पास, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने तो पूरे में बेडशीट की जगह ये बिछा रखा है ना ब्लैंकेट, आपको सुबह ही दिखा दिया था। और बस बस अभी शाम का टाइम है और मुझे ठंड ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने स्वेट शर्ट भी ऊपर से डाल लिया था। और ये मैंने थोड़ा सामान जो मेरा आया था वो सब मैंने ओपन करके देखा, और उसके वीडियोस वगैरह भी मुझको बनाने थे वो सब मैंने करा है। तो सामान थोड़ा फैला हुआ है तो वही यहाँ पर समेट रही हूँ, रख रही हूँ। और ये जो पानी की बॉटल आप देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा ठंड है कि गर्म पानी का मैं बॉटल बना के रखती हूँ, और जब भी पीना होता है तो गर्म पानी ही पीती हूँ, पीहू को भी गर्म पानी ही देती हूँ, इसीलिए आपको साइड में ये बॉटल और ग्लास दिखाई दे रहा होगा। अच्छा सर्दियों में ऐसा मुझे ही लगता है कि पूरा घर फैला लगता है, या आप लोग को भी लगता है कमेंट करके बताइएगा। हर जगह जैसे कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं, क्योंकि ठंड है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कपड़े, मतलब कम ब्लैंकेट भी, स्वेटर भी, गर्म कपड़े भी। ये मैं आपको पीहू का स्क्वायरल दिखा रही थी। गाइज मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैंने दो वीडियो शूट कर लिए हैं। मुझे ना डैंड्रफ हो गई है, अभी मैं देख रही थी मुझे डैंड्रफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत ठंड है ना, और मैं जब से आई हूँ मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, मतलब मुझे लिटरली इतनी ठंड लग रही है तो मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है। और अभी हूँ तो अपने कुछ खिलौने वगैरह से खेल रही है, चेंज भी मैंने कर लिया है। बस पीहू को दूध वगैरह दूंगी, और अब आज इस व्लॉग को यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, वैसे आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय, गुड नाइट। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैंने व्लॉग ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी फिर से मैंने ये इसमें दूसरा व्लॉग ऐड कर दिया है। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यहाँ पे पीहू को मैंने देखा, वो कुछ अपना पेपर में लिख रही थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। और ये देखिए, इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, सुबह का टाइम है और अब मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करने जा रही हूँ। ये ब्लैंकेट मैंने बिछा दिया था जब मैं आई थी, क्योंकि पीहू ने एक दिन पानी गिरा दिया था ना, मैंने आपको बताया था, तो वो अब सूख गई है वुलन वाली बेडशीट, तो उसको मैं चेंज कर दूंगी। वैसे मैंने कुछ बेडशीट्स मंगाई भी हैं ऑनलाइन, वुलन भी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही।
तो फिर से देखिए यहाँ पे कितना सामान फैला हुआ है, मतलब मुझे हर जगह फैला ही फैला नजर आता है। इधर भी बिस्तर, उधर भी ब्लैंकेट, इधर भी कपड़े, और चाहे जितनी कोशिश कर लो कि सामान कम दिखे, कपड़े कम दिखें, लेकिन रहता ही है कभी पीहू एक जैकेट गीली करती हैं तो कभी दूसरी जैकेट गीली करती हैं, ऐसा ही चलता रहता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे ब्लैंकेट जो है इस तरह से बेड पे डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो कम ठंडा सा लगता है मुझे, इसीलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर उसके बाद ये बिछा तो लिया था मैंने मुझे ये पहले करना चाहिए था, बट मैं भूल गई और गलती से अब मैंने बिछा दिया। और अब फिर मैं इसको बेड हटा रही हूँ यहाँ से बेडिंग को। इसमें से मुझे भी अपने कुछ लहंगे निकालने हैं, देखती हूँ क्या पहनना है। मैंने बोला ना बहुत सारी शादी अटेंड करनी है मुझे, इसीलिए तो बस यहाँ पे मैं अपना बेड बॉक्स जो है वो ओपन कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी मम्मी आ जाएंगी, उनको भी मैं दिखाऊंगी कि कौन सा लहंगा कौन सी वेडिंग में पहनूँ मैं। देखा आपने, कुछ नोटिस किया, पीहू आई थी एक्चुअली, पता है इस बेड बॉक्स में उसके बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, तो वो जैसे ही मैं ये बॉक्स को खोलती हूँ वो तुरंत दौड़ के आती है। ये देखिए फिर से आ गई है वो, मैंने उसको बोला कि तुम जाओ बाहर, क्योंकि वो आती है ना सारे टॉयज़ निकालने लगती है, टैडी सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह। और मैं अभी यहाँ पर कपड़े ही देख रही हूँ कि ये देखिए एक ये मेरा ड्रेस रखा हुआ है, और भी मैं अभी सब पूरा एक्चुअली भूल जाता है, बहुत दिन से रखा रहता है ना और याद नहीं रहता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ पर रखा है। तो जो कपड़े कम मैं पहनती हूँ, यूज़ नहीं हुआ है बहुत दिन से, ये मेरी सिस्टर इन लॉ का शादी का ड्रेस है, जब मैंने पहना था तब से ये ऐसे ही यहाँ पे रख दिया है मैंने। अब मैं वही यहाँ पे देख रही हूँ क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, तो ढूंढती हूँ, निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको भी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इंडियन व्लॉगर बुलबुल को, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं, कुछ तो है जो एक्साइटिंग होने वाला है। और यहाँ पे मम्मी आई थी तो मम्मी रुक गई थी, उन्होंने देखा कि वीडियो चालू है, तो मैंने बोला नहीं आप निकल जाइए कोई बात नहीं। तो मैंने अपने लहंगे जो हैं वो निकाल लिए हैं, कौन कौन सी ड्रेसेस हैं वो भी निकाल लिए हैं, और अब यहाँ पे बस पैकिंग रह जाएगी, कहीं जाने वाले हैं हम, तो बस दिल थाम के बैठिए, आगे आने वाला जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। सो वेट करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा इंडियन व्लॉगर बुलबुल को, बहुत अच्छे अच्छे रील्स मैं वहाँ पे डाल रही हूँ। और इंडियन व्लॉगर बुलबुल ही मेरी आईडी है मेरे सेम चैनल के नाम पर। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन से व्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और व्लॉग लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।